बॉलीवुड में ऐसे कई गाने हैं जो सालों पहले आए लेकिन आज भी हर जुबान पर चढ़े हुए हैं। हजारों बार इन गानों को सुना और गुनगुनाया जाता है। हर खास मौके पर एक बार ये गाने बज ही जाते हैं। ऐसा ही एक गाना है अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का, खैके पान बनारस वाला। आज भी यह गाना जैसे ही बजता है तन मन झूमने पर मजबूर हो जाता है। यह गाना जितना एंटरटेनिंग है इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि डॉन का खाई के पान बनारस वाला अमिताभ बच्चन के लिए नहीं बल्कि देव आनंद के लिए की फिल्म के लिए बना था। इस गाने को शूट करने के लिए बिग बी को एक दो नहीं बल्कि कई पान चबाने पड़े थे। तो चलिए बताते हैं आपको इस सॉन्ग से जुड़ी रोचक बातें। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण और आप देख रहे हैं कथनी। एक इंटरव्यू में रियलिस्ट समीर ने खाई के पान बनारस वाले गाने को लेकर कई किस्से शेयर किए थे। उन्होंने बताया कि जब ये गाना शूट हुआ तब उनकी उम्र 17-18 साल की रही होगी। रिकॉर्डिंग रूम में अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार और पिता अंजाम एक साथ चर्चा कर रहे थे। तभी जैसे ही किशोर दा ने गाने के बोल सुने उन्होंने इस गाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मेरे पिता ने उन्हें काफ़ी समझाया जिसके बाद वो गाने को तैयार हो गए। खाई के पान बनारस वाला गाना गाने से पहले किशोर दा ने स्टूडियो में पान मंगवाया। जब पान आया तब किशोर कुमार ने गाने के बोल और अंदाज में तालमेल बनाए गाने को गाने और नेचुरल फील लाने के लिए। किशोर कुमार ने एक के बाद एक कई पान चबाए। जब गाने की शूटिंग चल रही थी तब अमिताभ बच्चन ने एक दो नहीं बल्कि 15 से 16 पान चबाए। अमिताभ चाहते थे कि पान उनके होठों को लाल करे और वैसे ही फीलिंग आए। जब ज़्यादा पान अमिताभ बच्चन ने खाए तो चूना की वजह से उनका मुँह छिल गया। इस वजह से उन्हें कई दिनों तक तकलीफ झेलनी पड़ी थी। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि खाई के पान बनारस वाला ट्रैक डॉन के लिए नहीं बल्कि देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू जो 1973 में आई थी के लिए लिखा गया था। हालांकि इस फिल्म में गाने को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद अमिताभ की फिल्म में इसे शामिल किया गया। इसके लिए भी मेकर्स ने कई दिग्गज कलाकारों की सलाह ली कि फिल्म में इस गाने को रखना चाहिए या नहीं। इसके बाद जाने माने एक्टर मनोज कुमार की सलाह पर खैके पान बनारस वाला गाना डॉन फिल्म में शामिल हुआ और हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।